इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज। पर टारगेट अचीव करना क्या इतना आसान है कि उठो, 10 डॉक्टर कॉल करो, 5 केमिस्ट कर लो और स्टॉकिस्ट के पास जाओ और स्टॉकिस्ट ऑर्डर दे दे। बिना मिन्नते कोई स्टॉकिस्ट ऑर्डर नहीं देता। लो आ गया मैनेजर का कॉल, अब सफाई देगा। हाँ सर, 5 लाख बजट है और 2-30 हुआ है, आज का प्लानिंग है, बाकी जाएंगे हो जाएगा, बजट से कर लेंगे, रेस्ट बचा हुआ है ना 2-3 वो भी हो जाएगा सर। टारगेट की चिंता में स्टाइल में कमी नहीं पड़नी चाहिए। घड़ी ब्रांडेड, चश्मा ब्रांडेड, बालों में जेल, सब सेट लगना चाहिए। कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है, भले कॉर्पोरेट का सी ना हो, डॉक्टर इज्जत दे ना दे, पर स्टाइल में कमी नहीं होनी चाहिए। मंथ एंड में पैसे ना हो, पर स्टाइल में कमी नहीं होनी चाहिए। फिर झोला उठा के चल देना है स्टॉकिस्ट के पास। वो बोलते हैं ना, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, लाइफ इज इन डिप शिट स्टिल बिहेव्स लाइक ब्रैड पिट। पर उससे पहले सबसे बड़ा काम, कौन कौन डॉक्टर है एटलीस्ट देख लेना। पता चला कि कोई डॉक्टर नहीं है और उसका रिपोर्टिंग कर दिए, तो कंपनी टारगेट छोड़ एम्प्लॉय को टारगेट में ले लेता है कि बेटा काम तो नहीं करते हो और फॉल्स रिपोर्ट भी करते हो। तो पहले हॉस्पिटल घूमना है और पता करना है कौन कौन सा डॉक्टर बाहर गया हुआ है, रिपोर्टिंग भी तो जरूरी है। फिर दूसरे एमआर भाई मिल ही जाएंगे, बता ही देंगे कौन कौन है कौन नहीं है। क्लोजिंग में इतना तो चलता है, लो जान पहचान वाले मिल भी गए, अब कोई टेंशन नहीं है। पर बस कोयला नगर हॉस्पिटल घूमने से हो जाएगा, इतने में तो नहीं चलेगा, पीएमसीएच भी जाना ही पड़ेगा। चलो पीएमसीएच पहुंच ही गए, अब 2-4 लोग दिख भी रहे हैं, 2-4 भाई बंधु भी मिल गए हैं। इतना दूर आए हैं तो देख ही लेते हैं कौन कौन बैठा हुआ है कौन नहीं, कॉल कर ले कि नहीं करें, असमंजस लग तो रहा है। चलो बैठा है तो मिल ही लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, अब जल्दी जल्दी स्टॉकिस्ट के पास जाना पड़ेगा। पता नहीं क्या ऑर्डर बना के रखा है, सुबह मैनेजर को बोल भी दिए टारगेट हो जाएगा, 2 लाख का और माल चाहिए, पता नहीं कैसे होगा। अब कनक और आरोग्य ही उद्धार लगा सकता है, सबसे पहले जाके पीके झा से पीओ भी उठाना पड़ेगा, तभी दयानंद ऑर्डर देगा। लगता है डॉक्टर पीके झा खाली बैठा हुआ है, जल्दी से दूसरे डॉक्टरों की चुगली करके से ऑर्डर ले लेता हूँ, कोई और एमआर आ गया तो मेरे को नहीं देगा। इससे 50,000 का पीओ भी मिल गया ना, तो थोड़ा सा तो विश्वास आ ही जाएगा, सब कुछ चुपचाप कर लूंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर सीधा दयानंद के पास जाना है झगड़ा करने, जल्दी से जल्दी दयानंद के पास पहुंचना ही पड़ेगा, कोई तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। प्रणाम भैया। प्रणाम। कैसे हैं? ठीक है। आए। क्यों बोल रहे हो? आवाज झगड़ा करो। झगड़ा करो। ट्यूटी वेल पच्चीस। इस बार दीजिए ऑर्डर, उसके बाद फिर अगले बार देखेंगे, बोनस वोनस होगा तो कराएंगे जैसा होगा। नहीं नहीं, इस बार तुम कुछ बोनस करवा एक्स्ट्रा तो इस बार करवा देंगे, देखते हैं। अभी आप कुछ ऑर्डर बनाइए, में नहीं निकल रहा है ऑर्डर का, तुम कुछ अब देखिए तो देखिएगा तो निकल जाएगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, देखिएगा तब ना निकलेगा, जब तक देखिए तो कैसे पता चलेगा। अब देखिए इतना जगह से पीओवी लाके दिए, आप दिए नहीं माल, वहाँ देना चाहिए था, दूसरा जगह माल आप दे दिए, उस सब काउंटर पूरा खाली रह गया, उस सब देना चाहिए था ना। तो वही सब बोल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बोनस करवा, तो एक्स्ट्रा बोनस करवा रहे हैं ना, आप माल मंगाइए पार्टी में कंपनी में दिखाएंगे, फिर एक्स्ट्रा बोनस करवाएंगे हम, जो भी एक्स्ट्रा बोनस तो देना ही चाह रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं देंगे हम। एक मेरा जो सब जगह प्लानिंग है, आपका प्लानिंग 1 लाख का ऑर्डर यहाँ चाहिए, उस हिसाब से सेल भी तो कर रहे हैं। 1 लाख का प्लानिंग है तो 1 लाख का सेल भी तो पहले करना चाहिए। तो 1 लाख को माल मंगाइएगा तब ना सेल होगा, अब मंगाइएगा 20,000 का तो 20,000 सेल होगा, 1 लाख का माल मंगाइए फिर सेल लेने को बोलिएगा। माल मंगाओ पूरा जीरो हो जाएगा तो इस बार 1 लाख दे देंगे। देखिए जीरो तो कभी नहीं होगा, तो समझ लीजिए जीरो नहीं होगा, आप माल मंगाइए आपको बोनस कर देंगे जो होगा, आप ऑर्डर दीजिए ठीक है, उसके बाद आपका अगले महीने से बोनस आ जाएगा। सुनिए तो आप 103% में हम हैं ठीक है, स्टार क्लब करेंगे, मान लीजिए घूमने नहीं हो जाएंगे। नहीं नहीं, तो 20 मार्च के बाद ले लो, दे देंगे अगला महीना कर लो।
मार्च के बाद से नहीं, अगला महीना नहीं समझ रहे अपना, हमको दो महीना में अभी एक लड़का सी एन आ गया, हमको देखना कौन कौन अब सी एन भेजा इधर कुछ का मार्केट से जो आया जाएगा। मेरा तो उतना सी एन नहीं है, उस तरह का कोई डंप अमाउंट है ही नहीं, डंप नहीं किया होगा, मार्केट से जो आया होगा वही दिया होगा हमको लगता है। आप सोच रहे होंगे बोनस के लिए इतना चिक-चिक क्यों? अरे भाई बोनस ही तो असली कमाई है, 10 डब्बा ऑर्डर करो एक डब्बा फ्री फ्री फ्री। अब इनकी लड़ाई तो चलती रहेगी, पीओबी दो बोनस दो, पीओबी दो बोनस दो, और ऑर्डर हम लेके जाएंगे, बिना इसके ऑर्डर के इंसेंटिव नहीं आएगा ना। ठीक है चलो इस बार क्या देता है, अगला बार बोनस देख लेना। ठीक है बना दीजिए। हम लोग का वैल्यू 74,000 है, आपको इसका कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, ज्यादा होगा ना। अब 1 लाख का ऑर्डर के लिए आरोग्य पास ही जाना पड़ेगा, दुकान पे तो है नहीं वो, घर बैठ के एमआर लोगों से डील कर रहा है, बचा लेना भगवान इस बार। बैठो डियर बैठो। अरे यार थोड़ा इधर गया, बिजी थे यार, कीजिए अभी बहुत वर्कलोड हो गया था, फाइनेंशियल का लास्ट है, कर दीजिए। नहीं चाहिए का ऑर्डर ऑर्डर तुम लोग को आजकल, क्या तुम देख नहीं रहे हो यार? अरे भैया इतना काम कर रहे हो यार, भाई कुछ ना बन ही रहा होगा भैया। ऑर्डर उन ऑर्डर का तो बहुत दिक्कत है, दिक्कत है उसी में तो देखिए भैया, कुछ वक्त ना कुछ बन गए करेगा, वैसा तो नहीं जीरो बनेगा तो करते हैं। चाहिए कितना तुमको? चाहिए तो भी 1 लाख रुपये। इतना माल बिकता है तुम्हारा? अरे देखिएगा भैया 60,000 का सेल है हर महीना के पास, थोड़ा सही माइंड स्ट्रेस मिल जाएगा, फाइनेंशियल का लास्ट है भैया, मेरा भी थोड़ा अच्छा रिपोर्ट लेगा, इंक्रीमेंट लग जाएगा भैया, तो देख लेते एक बार सपोर्ट कर दे, फिर नेक्स्ट महीना ऑर्डर नहीं भी दिया तो हम मेकअप करेंगे, नेक्स्ट महीना का इस पर माल ले लीजिए, इस पर थोड़ा डंप कर लीजिए। देखो 50 का ले सकते हैं हम अभी, और 5 तक चाहिए, उससे नीचे नहीं होगा, पटना से बहुत माल आ रहा है, समझ रहे हो ना, बिजनेस एकदम थोड़ा नीच डाउन जा रहा है, हो नहीं रहा है। देखो 5% हो सकता है तो बात करो, बाकी का क्या है ना कि देखो तुम्हारा सेकेंडरी तो हुआ नहीं है, देख लो तुम्हारा माल जो है ना ऐसे पड़ा हुआ है तुम्हारा, या ना पुदार में जा रहा है, ना श्रीराम में जा रहा है, कहीं नहीं है, कहाँ भेजा? गंगा मेडिकल में जा रहा हूँ, गंगा मेडिकल मनीष में। तो गंगा 50,000 का माल थोड़ी लेगा, देखो हम कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि तुम देख लो थोड़ा सा स्ट्रेच करो, और हमको पहले चाहिए। देखो वो सब ठीक है, लेकिन हमको पहले चाहिए, तुम बात करके फिर करवा लो फिर। आपका बात सही है, बाहर से माल आ रहा है, थोड़ी इसमें थोड़ी चीज कीजिए, इतना नहीं हो सकता है, देख लो तुम पहले 3 में आ रहा था, अभी तो हम देखे कि वहाँ पे बोनस चल रहा है तुम्हारा, पे तो बोनस भी नहीं है, तो बोनस तो मिल भी करेगा कहाँ, तो फिर 50,000 का माल दे दोगे, इतना माल थोड़े लेंगे हम, जो बोनस आपके लिए भी सबके लिए बोनस। ऐसा मार्केट बहुत खराब चल रहा है, देख लो तुमको 50 का ऑर्डर दे देते हैं हम, ठीक है, लेकिन जो है इतना चाहिए, ठीक है, समझे, इससे कम में तो नहीं होगा। तुम भी आ गए थोड़ा ऑर्डर ऑर्डर के आए थे थोड़ा। अरे यार दुकान में आते घर चले आए यार, नहीं दुकान गए थे वहां पर नहीं मिले, बोले घर में है। बैठो और सब ठीक ठाक? कितना सेकेंडरी हुआ है तुम्हारा?
कितना छूट रहा है टारगेट? 1 लाख तो भैया ऑर्डर लगेगा मोटा मोटा। बोनस करवा गए? बोनस देखते हैं, होगा तो करवा देंगे, कोशिश तो करेंगे। ना ना वो अखा देखी नहीं, बोनस करवा बोल रहे हैं तो करवा देंगे पक्का एकदम। 1 लाख का तुम बाहर में 10% का दे रहे हो, हमको दे नहीं रहे हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, कहां दे रहा है बाहर में कहीं नहीं मिल रहा। हम यहां पे माल कैसे बेचे, तुम्हारा माल बिक ही नहीं रहा है। हम बात करते हैं, बोनस अगर हो जाता तो बात करें। बात करो, अभी बात करो, हमको बताओ, मैनेजर से बात करो कि हाँ तब होगा। ऐसे थोड़ी होता है यार, तुम दूसरा को दे दोगे, हमसे नहीं होगा। हमारा बिजनेस, हमारा माल कौन खरीदेगा? माल लौटा दे तुम्हारा। माल तो बिक ही रहा भाई, ऐसा बात नहीं कि माल बिक नहीं रहा है। 20,000 का सेकेंडरी है, देख लो तुम। 50,000 का माल पड़ा हुआ, तुमको 1 लाख का माल चाहिए। कुछ देखिए, कुछ एडजस्ट हो सकता है तो कीजिए किसी तरह। देखो यार, तुम्हारा माल जो है बाहर जा नहीं सकता, यही बेचना पड़ेगा। तो तुम अगर करवाओगे बोनस तो बात करो, अभी बात कर लो। मैं बात करते हैं बोनस का, अभी बात करो है कि 10% पे अभी तुरंत ले लो 1 लाख का ऑर्डर, ठीक है? हम साइन करके दे देते हैं, और नहीं तो फिर जय राम जी की, हम दूसरा से मंगा लेंगे। एक मिनट के हम बात कर रहे हैं। हेलो, एक मिनट, रिंग हो रहा है। हेलो, हाँ सर, आरोग्य आ रहा था सर, आरोग्य नाम से नहीं करना। तो वो बोनस के लिए बोल रहे थे, तो उसमें 10% बोनस हो जाएगा। कौन प्रोडक्ट में चाहिए ये बोनस? अरे सब में चाहिए भाई, तुम्हारा सब में, सब में बोल रहा है, सब में पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, बात करते हैं जैसा होगा सर, ठीक है, बताता फिर। सब में तो भैया बोनस नहीं हो पाएगा, 2 प्रोडक्ट में बोनस हो पाएगा, जिसमें अप्रूवल आता है वो हम करवा सकते हैं सर। तो उसमें मेरा क्या फायदा? बोनस में दे रहे ना 2 प्रोडक्ट में, तो बाकी जो 4 प्रोडक्ट है उसमें और रनिंग प्रोडक्ट है वो आपको फंसेगा भी नहीं, माल वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीओवी लाके दोगे? एकदम बिल्कुल पीओवी लाके देंगे, आप ही को तो देते हो भैया पीओवी, ऐसा थोड़ा ही है। देते तो 20,000 का सेकेंडरी होता, ठीक है? जो भी पीओवी आएगा हम आप ही के पास देंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। आपका सेल बढ़ाएंगे जैसा भी होगा सर, हमको 1 लाख का ऑर्डर का जरूरत है। फाइनेंशियल ईयर अगर कंप्लीट होने वाला है, कुछ इंसेंटिव वगैरह भी आएगा तो फिर तो इंसेंटिव तो भाई तुमको आएगा ना, हमको क्या आएगा? तो आपको बोनस करवा रहे हैं ना, अब फिर 4 जगह बांट दोगे बोनस तो फिर नहीं, नहीं 4 जगह बोनस नहीं, आपको बोले अभी के पास होगा और दूसरा बस किसी के पास नहीं जाएगा बोनस। बोल के जा रहे हो, नहीं तो पूरा माल वापस लौटा देंगे, कहीं और जाएगा तो माल ऑफ रिटर्न। और कुछ इससे बड़ा और क्या कर सकते हैं बताइए। हमको 1 लाख का ऑर्डर चाहिए, इतना दिन से है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, आगे भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी 2 प्रोडक्ट का 50,000 का ले लो, है ना, और बाकी का कुछ करवा देना, देखते हैं वो जैसा हो हम करवा देंगे, ठीक है? चलो इसको बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए थोड़ा सा ये वाला। अरे यार उतना ही बिकता है, थोड़ा सा बढ़ा दिए अच्छा चलो, इसका पीओपी लाके दोगे ना? हाँ हाँ एकदम पीओपी। हाँ देख लो 1,01,000 का बना है, ठीक है? हाँ ठीक है, हो जाएगा ना टारगेट? हाँ हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा ना साथ में? काम बिल्कुल हो जाएगा, उसके लिए टेंशन फ्री रही आप, ठीक? चलो मेल कर दिए, ठीक है? अच्छा मेरा काम हो जाना चाहिए इस महीने के एंड से पहले, एकदम बिल्कुल हो जाएगा भैया, ठीक है? चलो थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, बढ़िया टारगेट हो गया। हाँ भैया, ईयरली भी हो गया, मेरा भी हो गया ईयरली, लिए ना सर।